कुछ बोल रहे थे सर। ओ अभी ला दे क्या? नहीं पता। अच्छा अच्छा मिल गया। सुनो एक काम करो। हाँ हाँ तो पापा को लेके एसपी कहने चले गए सर। हम जो है ना देखिए ये जो है देखिए जैसे नल खोलते हैं ना, नल खोलते समय कैसा पानी का धार गिरता है तो उस तरह से एकदम कंटिन्यू पानी जो खून जो है ब्लडिंग हो रहा था। तो मेरा भाई डायरेक्ट को उसी तरह बड़ा बाबू थाना के पास गया, वही धारा वारा लगा दिए। तो ये देखिए धारा वारा लगा है। देखिए ये धारा लगा है आपका 341, 323, 324, 325, 307, 379, 154। ये दो धारा को वो लोग हटाना चाह रहा है 307, 379। कहा है कैसे हटा सकेगा? धारा लग गया तो नहीं लगेगा, नहीं हटेगा। फायर पूरा पर दिरंची नारायण चाहे भोलू पासवान हो गया चाहे मुकेश राय हो गया क्या बहुत पैर भी लगा रहा है। पैर से कुछ नहीं होगा। अच्छा थाना में ही हो गया है तो धारा हटेगा नहीं? नहीं हटेगा। तो कोर्ट में सीधे चले जाए? वकील तुम्हारा है कोई? वकील शायद उसको अभी सीक्रेट रखा गया है, सीक्रेट रखा अच्छा, गया हाँ, है ठीक है। तो वकील से तुम मिलके और उसको ही करो। कहा कि हम लोग जिस इसको हाँ, पेपर में हम दिलवा देते हैं। कहा कि वो लोग फायदा उठा रहा है कि इसका कोई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह होना भी नहीं चाहता। गवाह नहीं है तो पहले तो अरेस्ट होगा ना जब एफआईआर हुआ है। कुछ नहीं किया है, थाना वाला पैसा खा गया है। नहीं पैसा खाने से नहीं होगा। तुम लोग एक काम करो एसपी के यहाँ सीधे जाओ। हाँ वो सीधा रास्ता बता रहे। हाँ वो तो हमको भी मैडम बोली थी। हाँ सीधे एसपी के यहाँ जाओ, वो तुम्हारा सारा कहानी वहाँ पर हो जाएगा। वहाँ विटनेस नहीं ना मांगेगा? नहीं नहीं एसपी तो पहले बुलाएगा थाना वाला को ना। अच्छा तो इंजुरी आखिर कहाँ से हुआ है वो तो पूछेगा ना। अभी इंजुरी रिपोर्ट नहीं है? अभी इंजुरी रिपोर्ट देगा ना। इंजुरी रिपोर्ट ही चल रही दिक्कत है। नहीं तो इंजुरी तुम लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं गए थे? गए थे तो इंजुरी रिपोर्ट तो थाना ही भेजा होगा। हाँ थाना ही भेजा होगा तो डॉक्टर लेट इसलिए करता है कि पैसा के चक्कर में होगा। कौन डॉक्टर था यही तो पता नहीं है। जो भी तो हॉस्पिटल गए थे ना? हाँ सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल वो हो जाएगा। तुम एक काम करो हाँ। तुम लोग कुछ मत करो सीधे एसपी के यहाँ जाओ। अच्छा ठीक है ना। हाँ एसपी के यहाँ जाओ और हम उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर देखिए इस तरह से घटना घटी है हाँ। सब कुछ हुआ है लेकिन अब फिर हम लोग को धमकी मिल रहा है और अभी गवाही मांग रहा है। तो कोर्ट में जाएगा तब ना गवाही, उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है और वो हम लोग को रोज फिर जान मारने का धमकी दे रहा है रोज। और हम लोग कोई गवाही देने वाला वहाँ पर है नहीं, सीधा साधा आदमी है, वो सब कोई करके दबंग आदमी ही करके रखे हुए हैं। यही बात बोलो तुम लोग एसपी को। दूसरी बात है सुनो ना बता रहे दूसरी बात क्या है? अरे मारपीट किया वो हमारे मेरा घर जो है ना घर के बगल में एक झाड़ फूक और काला जादू करने वाली औरत रहती है और उसके यहाँ जितना भी गाड़ी चार चक्का हो गया जो भी टू व्हीलर है सब मेरे दरवाजे पर खड़ा कर देता है और मूत देता है, लेटरिन भी कर देता है। तो वही मेरे बाबूजी ड्यूटी के लिए आ रहे थे इधर तो देखे तीन आदमी मेरे दरवाजे पेशाब कर रहा है, मना किए काहे कर रहा है मना मूत रहा है तो इसको पकड़ करके मारने पीटने लगा तो मना किए तो फिर छोड़ दिया। फिर अंदर से वो औरत निकली झाड़फूंक करने वाली, वो बोल दी कि मेरे पास ना बहुत पैसा है इसको मार दो। फिर इनका गाड़ी को रोक करके हेलमेट उतार करके और टांगी जो होता है उसे पिछला वार कर दिया। सुनो ना हम बता तुम पहले सीधा जाओ इसकी और हम पेपर वाला सब अरेंज कर सकते हैं, पेपर में छपवा देंगे। अच्छा हंगामा होगा ना तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम ऊपर चीफ मिनिस्टर सब के पास लगा सकते हैं, इनके साल के कहीं नहीं चलते। अच्छा ठीक है तुम सीधे जाओ ना पास वहाँ जाओ और उसके बाद फिर हम बात करते हैं पेपर किसी न किसी पेपर में छपवा देंगे ठीक है ना। और तुम क्या करो पहले सीधे एसपी के यहाँ जाओ जी। पेपर वाले पास हमको जाना हो दिखाएगा? हाँ फोटो तो देख उसको कराएंगे ना। हाँ हाँ पेपर वाले पास तुम जाना हो फोटो का वो सब तो वो सारा फोटो तो दे देना। अच्छा ये खून वाला ना पेपर में छपेगा ही ना कभी कहानी का तो सुन पेपर वाले पास इसको दे ये सब ना यही सब फोटो ना। हाँ हाँ तुम ले जाओ ना वो अपने हम स्पोर्ट में जाएंगे उसके पास है पेपर वाले पास जाएंगे। हाँ पेपर वाले पास जाना है अभी नहीं सब अभी नहीं एक डेढ़ बजे आता है सब। अच्छा तो शाम को आता है शाम में जाना है पता नहीं कहाँ जाना है ये बोल रहा हूँ। थोड़ा इसको निकालो तो अभी इसको ना रिपोर्ट तो हो ही गया रिपोर्ट नहीं दे रहा है सर प्रोजेक्ट के चक्कर में।
जमीन को ही करने के लिए घुसने के चक्कर में कहाँ का 2 साल से बसा हुआ है, रेंटर है, और पूरा जमीन हड़पने के चक्कर में। इसी को ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम बोलता है कि 50-60 हज़ार रुपये दे रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज कर ये सी जी वाला तो ही कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सी जी एम, लेकिन हाँ अरेस्ट नहीं हुआ है, अरेस्ट कर बिना अरेस्ट पहले हो गया। वही जब मना किए ना कि काहे मुतरा है, तो वो लोग बोले है मुतेगा। सारा पेपर से भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, हर पेपर में और देख रहे हैं उसको थाना में जाके हंस रही है। वही बाप घर है, वही समझी घर है उसका, वो बात नहीं कर।